हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हमेशा 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 हमेशा। पर तुझे हम बताने से डरते थे, पर तुझे हम बताने से डरते थे, हमेशा 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 हमेशा। हाँ हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मस्ती चैनल के सदस्य की ओर से मैं पी के श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत और सुअभिनंदन करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक धमाकेदार ट्रॉफी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसका नाम है रीजनिंग। इससे पहले आप लोगों को बता दूँ को पार्ट नंबर 5 रीजनिंग का जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए थे क्वेश्चन, तो पार्ट नंबर 6 जो है आज रीजनिंग का समक्ष आप लोगों के प्रस्तुत करने वाला हूँ। और क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं सबको बता दूं कि जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग उस वीडियो को पहले देख पाएंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन यह है कि राहुल कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, राहुल 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं जो है 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ जाता है, फिर से दाएं मुड़ कर चलता है, यानी फिर जो है वो दाएं चलकर फिर जो है वो दाएं मुड़ जाता है। अब उसकी मुंह जो है यानी मुख, मुख मतलब होता है मुंह किस दिशा में है, तो कह रहा है कि उसका मुंह कौन सा दिशा में है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी चाहिए कि इसको जो है हम नक्शा कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ नक्शा आप लोगों को कैसे निकालना, आप कहीं भी हो ये आपको ये एक सरल सीधा रेखा खींच लेना है और इस तरह से। अब ये जो ऊपर वाला है ये हो गया आपको उत्तर, ठीक है, ये हो गया आपको दक्षिण, और ये हो गया आपको पूरब, और ये हो गया आपको पश्चिम। इस तरह से जो है ना आपको दिशा निकालना है, कहीं भी अगर आप बैठे भी होंगे ना तो इस तरह से दो सरल रेखा खींच लेना है आमने सामने, ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को उसके सामने के दक्षिण, और क्या कहते हैं इसके बाद जो टीढ़ी रेखा होगा सीधा सरल रेखा वो पूरब, और ये जो है पश्चिम। तो देखिए राहुल का मान लीजिए कि ये कॉलेज हो गया, और ये कॉलेज से कहाँ चला 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या किया वो 3 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर दाएं। अब देखिए दोस्तों अगर आप इस रास्ता से चलिएगा तो आपका दाया जो है दाया किधर आएगा, यानी खेना हाथ, राइट हाथ बोलते हैं कि राइट हाथ जो है ना किधर आएगा, इधर आएगा। यहाँ से चला कितना किलोमीटर, तो कहता है 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद फिर दाया, अब इस रास्ते से अगर आप चलेंगे तो दाया किधर आएगा, इधर आएगा दाएं, इधर आएगा ना, इधर आएगा दाया, तो दाएं मुड़कर चलता। अब यहाँ पर आकर ये रुक गया, यहाँ से दाया इधर आ गया और यहाँ आकर क्या किया ये रुक गया, और रुकने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर अब वो खड़ा हो गया, तो खड़ा हो गया इधर आगे की तरफ, इसका मुंह किधर आएगा, इसका मुंह इधर होगा ना, इसका मुंह इधर होगा, तो इधर कौन सा दिशा है दोस्तों, ये पश्चिम है ना, इधर कौन सा दिशा है पश्चिम से, देखिए ऑप्शन नंबर पश्चिम किस में है, तो ऑप्शन नंबर पश्चिम जो है मेरा सी में है दोस्तों, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोगों को मुझे यकीन है कि समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो दोस्तों चैनल को फटाफट लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 × 2 × 6 बराबर कितना आता है 1626 तथा 3 × 7 × 6 कितना 974 हो तो 5 × 6 × 8 यहाँ पर बोल रहा है कितना आएगा,
बताइए दोस्तों। दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पुराना हो या फिर जो भी नया हो तो उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी पुराना स्टूडेंट है तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा, अगर नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले जो है ना आप लोग जो है इन सब क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जो है ना उतारने और पहले बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन जाएगा तब तो सही है, आंसर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है मिल जाएगा। अगर नहीं बन रहा तो फिर वीडियो को जो है ना रोक के आप नोट बना लीजिए। नोट बनाने के बाद नहीं बनेगा क्वेश्चन तो आप इस वीडियो को प्ले करके फिर से देखिए जब मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि 4 × 2 × 6 यानी इन सब को गुना करके इसको जो है 1626 कैसे हो गया। तो चलिए देखते हैं, अगर 4 को अगर गुना करेंगे, 4 को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा, 4 × 2 = 8। 8 का अगर 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 × 6 = 48। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, कितना दिया है 1626 नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा अगर 4 को जो है देखिए इसको करना क्या है दोस्तों, ये क्या किया है 4 को जो है ना स्क्वायर कर दिया है, इसके बाद गुना 2, इसके बाद जो है 6, 4 × 6 = 16 हो गया। और ये जो है 2 और 6 है ना, तो ये जो है 4 × 6 = 16 और ये 2 और 6 ये इस पे डाल दिया, आ गया 1626। उसी तरह जो है दोस्तों इसको भी किया है, देखिए देखिए 3 का क्या किया है, 3 को जो है ना डबल कर दिया है, 3 किया कितना हुआ 9, इसके बाद जो है 7 इस पे डाल दिया है, 4 इस पे डाल दिया, कितना है 974 आ गया। उसी तरह हम इसको भी करेंगे दोस्तों, इसको जो करेंगे तो कितना होगा 5 25, फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं, 5 को जो 5 × 6 × 8 जो है वहाँ पर जो संख्या बोला निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए कैसे निकलेगा, तो 5 25 और इसके बाद जो है 6 और 8, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 25 और 68, तो ऑप्शन में नंबर मेरा 25 और 68 जो है किसमें है देख लीजिए, 25 और 68 इसमें जो है ना दोस्तों किसी में नहीं है, 25 और 68 किसी में नहीं है, सॉरी इसमें होगा सी, 25 और 68 जो है ना इसमें आएगा, क्योंकि मुझे टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 25 और 68 इसका सही आंसर है। क्योंकि अगर ऑप्शन भी नहीं दिया है तो आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर देखिए 4 को जो है ना 4 × 6 = 16 हुआ, 16 डाल दिया, इसके बाद 2 × 6 इस पर डाल दिया बराबर है, 3 × 3 = 9 डाल दिया, इसके बाद जो है 7 × 4 डाल दिया बराबर है, उसी तरह यह भी होगा 5 25 और 6 और 8 बराबर है। इसीलिए ऑप्शन 30 में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनको टाइपिंग करने में एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए, इसमें संख्या चुनने के लिए बोल रहा है, संख्या चुनिए, देखिए अब इसको कैसे हम चुनेंगे, 20:6 है तो 40 का अनुपात ये जो दिया है व्हाट इज बोल रहा निकालने के लिए। अब देखिए दोस्तों 20 का संबंध कैसे 6 से है, उसी तरह 40 का संबंध जो है ना ये निकलने वाले संख्या से होगा, तो कैसे होगा देखिए, अगर जो है 20 में से अगर जो है हम -6 घटा देते कितना आएगा 14, उसी तरह इसमें भी होगा अगर 40 में से जो है हम 14 घटा देते तो कितना आएगा 26, देखिए किसी ऑप्शन में है 26 किसी में नहीं है, इसका मतलब इस तरह से ये नहीं बनेगा। तो चलिए किस तरह से बनेगा अभी देखते हैं इनको, तो ये जो है दोस्तों अनुपात है तो अनुपात में निकालने की कोशिश कीजिए। चल मान लीजिए यहाँ पर 20 अनुपात कितना दिया हुआ है 6, ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे 200 तो कितना आएगा, 2 × 20, ठीक है, इसके बाद जो है 2 × 3 = 6 यानी 10:3 आता है। उसी तरह अगर हम 40 को काटेंगे, ठीक है, 40 को अगर हम 10 ऐसा कौन सी संख्या से काटेंगे जो 40 को कटने के पर हमको यहाँ पर 10 आएगा, तो दोस्तों ये 4 से काटो, अब जो है ना 4 से काट, इसका बाद अनुपात आएगा, अनुपात आने के बाद जो है 10:3 है तो ये भी 10:3 आएगा, तो 4 को अगर 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 4 × 3 = 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर अगर 3 लेते हैं तो 4 × 3 यहाँ पर कितना आएगा 12, इसका मतलब है इसका संबंध जो है दोस्तों 12 से है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, डी, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट सही है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा तरीका से आ गया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चौथा, देख लीजिए। यहाँ पर दी गई संख्या में अगला संख्या क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है थोड़ा दिमाग लगेगा कि ये किस तरह से जो है ना सीरियली संख्या दिया हुआ है, और ये कैसे संख्या यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ पर वाट मांग दिया निकालने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, एक और दो, ठीक है, इसकी एक दो चार सात तेरह चौबीस चौवालीस है, तो इसको जो है अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक के बाद दो आता है, तो कितना एक का डिफरेंट आता है, ये दो के बाद चार आता है तो दो का डिफरेंट आता है, दो चार के बाद सात आता है तो तीन का डिफरेंट आता है, तीन सात के बाद तेरह आता है तो कितना का डिफरेंट होता है, सात चार का डिफरेंट होता है, यानी एक दो तीन चार सीरियली चल रहा है। इसके बाद और आगे देखते हैं, इसके बाद तेरह के बाद जो है अगर हम डिफरेंट देखते हैं तो कितना का आता है, ग्यारह का आता है, और चौबीस के बाद चौवालीस का डिफरेंट देखते हैं तो कितना का आता है, चौबीस या बीस, चौवालीस यानी बीस का। आप देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो सीरियली सही आया ना, लेकिन ये दो जो है मगजमारी बढ़ा दिया मगर इसका मतलब ये होता है कि इस तरह से ये नहीं बनेगा। अब देखिए दोस्तों, इसको किया है कैसे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर तीन तीन संख्या ले लीजिए, तीन तीन संख्या लीजिए, एक दो और चार ले लिए, ठीक है, एक दो और चार जो है यहाँ पर लीजिए। अब देखिए जोड़िए इन तीनों संख्या के, तो दो एक तीन, यहाँ पर देखिए एक और दो तीन और चार सात, यहाँ पर सात दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद जो है ना सात है, इसके बाद दो को बाद जो है यहाँ पर तीन संख्या ले लीजिए, दो से लेकर सात तक, एक को छोड़ दीजिए, एक का जो है आप छोड़ दीजिए, इसके बाद जोड़िए सात तक, तो दो और चार छः और सात तेरह आ जाता है, तेरह। चलिए अब दो को छोड़ दीजिए, अब ये यहाँ से चार सात और तेरह को ले लीजिए, तो चार सात तेरह को ले लेंगे तो सात और चार ग्यारह हो गया, ग्यारह में तेरह जोड़ेंगे तो कितना चौबीस आता है, हो गया चौबीस। अब जो है चार को भी छोड़ दीजिए, अब जो है सात तेरह और चौबीस को ले लीजिए, तो कितना होता है जोड़ लीजिए, तो तेरह और सात कितना होगा बीस, और इसके बाद चौबीस चौवालीस आता है। अब जो है सात को भी छोड़ दीजिए, तो अब तेरह चौदह और चौवालीस के ले लीजिए, तो जोड़ दीजिए, इसके बाद चौवालीस और चौबीस कितना होता है दोस्तों, तो चौवालीस और बीस जोड़ लीजिए कितना होगा, चौवालीस और बीस चौंसठ, चौंसठ और चार अड़सठ, अड़सठ और तीन कितना हुआ, अड़सठ और तीन, अड़सठ और तीन कितना हुआ इकहत्तर का एक आत्मा कितना हुआ सात, इसके बाद तेरह पे जो आगे में एक है तो एक और सात कितना हुआ आठ, इक्यासी नाइन्टी वन। नहीं समझे दोस्तों, मान लीजिए तेरह को आप जोड़ लीजिए, इसके बाद चौबीस को जोड़ लीजिए, इसके बाद जो है आप चौवालीस को जोड़ लीजिए, इन सब को जोड़ने के बाद आपको 81 यानी इक्यासी आएगा। तो ऑप्शन नंबर इक्यासी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में इक्यासी है मेरा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इस वीडियो के देखने से आप लोगों को कुछ जानकारी हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आज का यह लास्ट क्वेश्चन, देख लीजिए आज का यह लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो है बताऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उसी महीने यानी उसी महीने में कुल कितने सोमवार होगा। देखिए इसमें सोमवार निकालने के लिए बोला, कोई भी वर्ष 2013 हो या 2020 हो या फिर 2021 हो, कोई भी वर्ष यहाँ पर लिखा हो, यदि किसी भी वर्ष में, ठीक है, अगस्त महीने में अगर जो है 25 अगस्त को बृहस्पतिवार पड़ता है तो उसी महीने यानी अगस्त ही महीने में जो है कुल कितने सोमवार होगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 25 अगस्त, इसके बाद जो है 26 हो गया, 27 हो गया,
28 हो गया और ये 29 हो गया, और ये 30 अगस्त कितने को होता है? अगस्त कितना होता है? अगस्त जो है आपको 31 तारीख का होता है ना, 31 का होता है। अब देखिए इसमें 25 तारीख को बृहस्पति वार था, बृहस्पति शुक्र शनि, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, यानी 29 तारीख को सोमवार पड़ता है। अब डिटेल्स में देख लेते हैं। चल देखिए दोस्तों, 29 तारीख को मान लीजिए सोमवार आता है ये। अब जो है बोल रहा है कि उस महीने में कितना सोमवार, तो 29 के बाद जो है 29 को सोमवार हुआ। अब देखिए 29 से एक सप्ताह अंदर ले लो, 29 से एक 7 दिन के बाद, 7 दिन का होता है ना सप्ताह, तो 7 दिन के बाद जो 29 में से 7 आप घटा दीजिए तो कितना होगा 22, 22 तारीख को एक आएगा, 22 में से फिर 7 घटा दीजिए, 22 में से 7 घटा दीजिए कितना आएगा 15, 15 में से फिर 7, क्योंकि 7 रोज के बाद फिर आएगा ना वो, तो 15 में से फिर 7 घटा दीजिए कितना आएगा 8, 8 में से फिर जो है आप जो है 7 घटा दीजिए कितना आएगा 1। अब देखिए कितना सोमवार हो गया, एक सोमवार, दो सोमवार, तीन सोमवार, चार सोमवार और पांच सोमवार। देखिए तो कितना सोमवार, ऑप्शन नंबर सी जो है 5 सोमवार आएगा, यही है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब देखिए आप लोगों को जो है बस पी के मौज मस्ती चैनल के सदस्य की ओर से आप सबों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी बात कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। ओके बाय।